हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। और गाइस, आई थिंक आपको ये वीडियोस जो मैंने सीरीज बना रखी है बीएफए आर्ट मटेरियल के ऊपर, ये आपको अच्छे से समझ आ रही होगी और काफी यूजफुल वीडियोस आपको लग रही होंगी। अगर आपको ये काफी भी यूजफुल वीडियोस लग रही हैं तो आप इस मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा गाइस। और गाइस, ये है हमारा मटेरियल नंबर 9 जो कि यूज होता है अप्लाइड आर्ट के अंदर। गाइस, कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, वहां आता है आपका लोगो डिजाइन। तो लोगो डिजाइन के अंदर क्या होता है गाइस, आपको कैलीग्राफी भी करनी पड़ती है गाइस। तो कैलीग्राफी के लिए आप क्या यूज करेंगे, वहां पर ब्रश भी यूज कर सकते हैं वैसे तो, अगर आप हैंडलिंग अच्छा कर सकते हैं कैलीग्राफी के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यूज करें वहां पर जो आते हैं हमारे कैलीग्राफी पेन। और ये पेन आते हैं गाइस हमारे लक्सर के, और स्टिक कंपनी है और एक लक्सर कंपनी है, लक्सर और स्टिक कंपनी है। मल्टी कलर्स में पूरा पेन बनाते हैं कैलीग्राफी पेन, तो आप गाइस वो बाय कर लीजिएगा। ये कैलीग्राफी पेन क्या होते हैं गाइस, थोड़े से ब्रॉड होते हैं, आगे से चौड़े होते हैं और आगे उसका कट लगा हुआ होता है, जिससे कि हम एक थिकनेस के अकॉर्डिंग हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो गाइस, इसकी जो फोटो है वो मैं जब वीडियो एंड होगी तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, और अपने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप किसी भी फाइन आर्ट जाओ, जो भी फाइन आर्ट मटेरियल सेल करता हो स्टेशनरी वाला, आप उनको दिखाकर ये मंगा सकते हैं अपना जो ये कैलीग्राफी पेन है गाइस। तो ये यूज करिएगा आप, अगर आप लोगों में कुछ आप लिख रहे हैं, लोगो डिजाइन का कोई भी आपको उन्होंने दे दिया तो आप एक फ्लो में आप लिख सकते हैं। तो ये भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा बाद में, पहले ये सीरीज हमारी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में मैं आपको कैलीग्राफी भी करके सिखाऊंगा कि आप कैलीग्राफी किस तरीके से कर सकते हैं अच्छे से। आपको लेटर लिखना हो किसी को, या आप कुछ भी जो भी टॉपिक में आपकी अच्छी राइटिंग हो तो गाइज अच्छा रहेगा उसके लिए। और आप कोई भी कोई ओकेजन के लिए, कोई आपको कार्ड बनाना है या कोई पोस्टर बनाना है तो पोस्टर के लिए, पोस्टर में आप किस तरीके से आप राइटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ में गाइज आपको ये समझाना चाहूंगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए फॉन्ट्स की। तो जैसे कि आपको लोगो आ गया वहां पर, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन से फॉन्ट्स में लिखना चाहिए। तो आप अलग से प्रैक्टिस करिएगा फॉन्ट्स की। फॉन्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप एमएस वर्ड में या कोरल ड्रो में जहां पर भी आप लिखते होंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता होगा फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहां पर आपको फॉन्ट्स दिख जाते हैं। जैसे आपने कुछ भी लिखा है तो आप उस राइटिंग को चेंज करना चाहते हैं, किसी स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो वहां पर काफी सारे स्टाइल्स दिख जाते हैं। तो वहां पर बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, कुछ के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि टाइम रोमन्स और गोथिक, इटैलिक करके, इस तरीके के काफी सारे जो है वहां पर फॉन्ट्स होते हैं। तो आप उनको प्रॉपर एक एक फॉन्ट्स की आप प्रैक्टिस करते चले जाइए, वहां पर पूरे आपको इंटरनेट पे सब मिल जाएगा गाइज। और साथ में ही आप जो है ABCD लिखकर अपने एमएस ऑफिस में, और उस फॉन्ट्स को उसमें चेंज करके, जैसे कि टाइम रोमन्स आपने ले लिया तो टाइम रोमन्स में उसको पूरे को चेंज करके फिर प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपकी कैलीग्राफी अच्छी हो जाएगी और आप जो भी वहां पर लोगो बना रहे हैं तो लोगो आपका अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि जो जो वहां पर स्टाइल होगा वो आपको पता होगा प्रॉपर के आर किस तरीके से बनेगा, पी किस तरीके से बनेगा, ए किस तरीके से बनेगा। तो सब किसी का अपना अपना एक स्टाइल है, अपना एक इम्पैक्ट है हर फॉन्ट का। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर हर मटेरियल के बारे में और हर सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप इस आर्ट फील्ड में आ रहे हैं तो गाइज आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये सीरीज प्रॉपर अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसमें कमेंट्स भी करिएगा नीचे, और इसको लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और कोई भी जो है आपके रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी फाइन आर्ट फील्ड में जाना है तो आप मेरा चैनल इनको शेयर करिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज ये है पेन, मल्टी कलर्स में ये आते हैं, पूरा का पूरा सेट होता है गाइज इसका। ये लक्सर के भी होते हैं, स्टिक में भी मिलते हैं गाइज। तो कोशिश करिए जिसमें भी मिले आप ये वाले ले लीजिएगा, कैलीग्राफी पेन होते हैं गाइज ये। और इसमें मल्टी कलर में भी आता है पूरा सेट, 10 पेन होते हैं आई थिंक इसके अंदर एक पूरे बॉक्स के अंदर। तो आप ये वाला बाय कर लीजिए, जैसे कि आप अप्लाइड आर्ट में अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइड आर्ट में तो वहाँ आता है लोगो डिज़ाइन, तो लोगो डिज़ाइन के लिए आपको ये सब चीज़ें वहाँ यूज़ कर सकते हैं आप वे ऑफ राइटिंग के लिए। तो गाइज ये सब मटीरियल आपके पास होना चाहिए, आप अच्छे से जो वहाँ परफॉर्म कर पाएँ, अगर आपके टूल्स अच्छे होंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पर, जिससे कि आपने जो भी वहाँ पर टेस्ट दिया है वो टेस्ट आपका एकदम अच्छे से जाएगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। तो ये वाला जो पेन है गाइज, ये वाले पेन आप खरीद लीजिएगा, कैलीग्राफी पेन है। और ये स्टिक में भी आते हैं और लक्सर में भी आते हैं, दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, और ये सब फोटो मैं अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको
ले सकते हैं और आप दिखा के अपने स्टेशनरी शॉप पर और आप ये ले सकते हैं। बाकी जो फाइन आर्ट वाले मटेरियल सेल करते हैं उन पे इसके चांसेस ज़्यादा है मिलने के गाइज, ये मिल जाएगा इजीली वहाँ पर। तो बाकी कुछ स्टेशनरी वाले रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो गाइज थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।